हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ अमेजिंग बन सुपर इजी स्टाइलिश हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल इस रबर बैंड से करके दिखाऊंगी मैं, तो उसके लिए मैं मेरे बालों में ऑयल लगी हुई है फर्स्ट एंड सेकेंड हेयर स्टाइल में, बाकी सारे फ्रेश हेयर के साथ है तो आप ये फ्रेश हेयर के साथ भी बना सकते हो। तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग ले ली है पहले मैंने बालों की, देन ये जो पतला वाला रबड़ बैंड है इसको यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ओके इस तरीके से लगा के ऊपर वाले सेक्शन को ऊपर ही इस तरीके से सिक्योर कर देंगे क्लचर की मदद से। फिर हमारे जो पास जो हेयर बचे हुए हैं इसमें अगेन टू पार्टीशन करेंगे एंड रबर बैंड लगा लेंगे इस तरीके से। बहुत ही इजीली आप ये बन बना सकते हो, और मार्केट वगैरह जाना है, ऑयली हेयर है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और बिना ऑयली हेयर में भी आप ये हेयर स्टाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर तीनों लेयर्स बना लिए हैं इस तरीके से, कुछ दिखेगा आपको, ओके। अब आपको सेंटर वाला पार्ट लेना है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड आपस में ट्विस्ट कर देना है। पूरा ट्विस्ट करने के बाद से इसको एंड तक पूरा ट्विस्ट कर लेना है, और इसको ऊपर वाले जो ऊपर वाली पोनी बनाई थी वहाँ से इस तरीके से लेके जाना है एंड ऊपर में ही एक पिन लगा देना है रबड़ बैंड के पास, ताकि ये रबड़ बैंड के पास से हिले नहीं इधर उधर। फिर दूसरी बार ले आके और वहाँ पे फिर से अगेन एक यू पिन लगा देना है, ओके। फिर नीचे वाला पार्ट लेना है पोनी टेल का, और उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था वैसे ही ट्विस्ट कर लेना है एंड तक, और इसको भी इस तरीके से पोनी के चारों तरफ लपेटना है एंड यूपिन से सिक्योर कर लेना है। फिर जो सेंटर का हेयर बचा हुआ है, सॉरी जो ऊपर वाला पोनीटेल का हेयर बचा हुआ था उसको भी लेंगे एंड इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और इसको भी लपेट देंगे। बहुत इजीली आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे एंड पतले हल्के बालों में भी काफ़ी अच्छा और बड़ा सा आपको हेयर स्टाइल का लुक मिल जाएगा। ये देखिए, अब जहाँ से भी आपको अनमैनेज दिख रहा है वहाँ पे आप यू पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लोगे। ये ऊपर का हेयर थोड़ा सा अनमैनेज लग रहा था तो यहाँ पे मैंने सिक्योर कर लिया, और ये बन का फाइनल लुक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बन का फाइनल लुक अच्छे से, मैं थोड़ा हाथ से सिक्योर अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, और ये देखिए कितना ईजी तरीके से आप क्यूट सा बन बना लोगे अपने बालों में। एंड चलते हैं मतलब थर्ड हेयर स्टाइल के लिए, आपको क्राउन एरिया से इस तरीके से राउंड में हेयर को उठाना है एंड एक पोनीटेल बना लेनी है। पोनीटेल बनाने के बाद से आपको लेना है एक डोनट बन एंड पोनीटेल के अंदर इस तरीके से लगा देना है, और ऊपर से सारे हेयर को डोनट बन को हाइड करते हुए एक पतला वाला रबड़ बैंड लेके इस तरीके से लगा देंगे। और जितना हमारा पोनी डोनट बन लगाने के बाद से हेयर बचा था उसको सिंपली इस तरीके से लपेट के आप एक यूपिन से इसको सिक्योर कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा, स्टाइलिश सा, एलिगेंट सा लुक देता है ये वाला बन आपको, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से बना लिया है हमने हाई बन। अब इसको आपको थोड़े थोड़े हेयर्स लेने हैं, पहले बैक साइड से एक साइड का हेयर ले लिया है पीछे से, और इसको इस तरीके से लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ लपेट देंगे। जो बेबी हेयर्स निकल रहे हैं उसको आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हो। हमेशा मैं ऐसे पूछते हैं मेरे व्यूवर्स कि मैम कौन सा सेटिंग स्प्रे यूज करती हैं आप, तो मैं एंजो का सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके बालों को अच्छे से होल्ड करता है एंड क्लीन लुक देता है। आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं कोई दूसरा सेटिंग स्प्रे मंगा रही हूँ जिसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, तो ENZO का ये स्प्रे है, आप चाहो तो मंगा सकते हो। ओनली 200-250 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, दुकान पे भी और सस्ते में मिल जाएगा, बट ऑनलाइन लोगे तो शायद 250 तक मिल जाएगा। ऑफ़र चलता रहता है तो बहुत सस्ते में मिल जाता है। मैंने इसको ऑफ़र में मंगाया था 180 का। अब उसके बाद से बैक साइड के हेयर को अच्छे से करने के बाद से हम यहाँ पर साइड पार्टीशन करेंगे एंड एक साइड के हेयर को लेंगे, और इस तरीके से सेटिंग स्प्रे से जो बेबी हेयर्स हैं उसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे एंड हेयर को बैक साइड से लेके जाएंगे, और फ्रंट साइड से लाके इस तरीके से बन को थोड़ा सा मैनेज करते हुए यू पिन से सेट कर देंगे। अब आपका जो इस साइड का हेयर बचा हुआ है इसको इस पर, जैसे हमारा जो बेबी हेयर्स निकल जाता है उसके लिए आप पतले दांतों वाली कॉम ले लो, उस पर सेटिंग स्प्रे लगा के इस तरीके से सेट कर सकते हो हेयर को। फिर ऊपर से हेयर को छोड़ना है और ईयर के पास के हेयर को लेके सिंपली अच्छे से कॉम करना है, और कॉम करके आपको बन के चारों तरफ ऊपर से लाते हुए इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देना है हेयर को एंड यू पिन से सेट कर देना है।
बहुत ही इलेगेंट सा लुक देगा ये आपके हेयर को, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको गाउन ड्रेस वगैरह के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बस आप चाहो तो लेयर निकाल दो, या फिर बड़ी बड़ी इयररिंग्स है तो लेयर को आप छोड़ सकते हो। एंड इसी तरीके से जैसे मैंने बताया बनाया है उसी तरीके से बना के अपने बालों को एक इलेगेंट सा लुक दे सकते हो, अपने आप को एक इलेगेंट सा लुक दे सकते हो। तो काफ़ी प्यारा सा ईजी सा बन आपका इतनी ईजीली बन के रेडी हो जाएगा। ये बन का फाइनल लुक है, इसके साथ मैंने इस तरीके की बालियाँ पहनी है, बट मैं घर में बना रही हूँ तो मैंने कोई ड्रेस वगैरह नहीं चेंज किया। आप अगर पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप अपने ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं, तो जो भी बेबी हेयर है उस पर सेटिंग स्प्रे लगा के मैंने इस तरीके से इसको सिक्योर कर लिया है। अब चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज। तो थर्ड हेयर स्टाइल में मैंने इस तरीके से मैं यहाँ पे घूमने जा रही थी तो उसके लिए मैंने इस तरीके का बन बनाया था जिससे कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहूँ एंड मेरे जो हेयर हैं वो अच्छे से सिक्योर रहें। तो इस तरीके से इसको मैंने एक पोनी बना ली है अच्छे से, और ऊपर से अपने बालों को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए और पफ का लुक देने के लिए इस तरीके से खींच लूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कितना अच्छे से आपका पफ यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब आप चाहो तो पोनीटेल बना के भी छोड़ सकते हो, अगर आपके फ्लिक्स कटे हुए हैं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपको पोनीटेल में कंफर्टेबल फील नहीं होता तो इस तरीके से पोनीटेल का एक हेयर पोनीटेल के अंदर से ही हेयर को इस तरीके से फोल्ड करके लेना है। देन अपनी पोनीटेल को इस तरीके से उठा के हेयर को उसके अंदर से इंसर्ट करते हुए एक बन बना लीजिए, और यू पिन को लेना है एंड कहीं से भी आपके बन को इस तरीके से खींचना है टाइटली थोड़ा सा खींच के, और यूपिन लेना है। इसको थोड़ा मैसी लुक देना है, कहीं से भी हेयर को पकड़ो यूपिन के साथ एंड यूपिन को लगाते जाओ, आपका ब्यूटीफुल सा बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इजी क्विक बन है, आप कहीं जा रहे हो जल्दी से आपको बन बनाना है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से 3-4 यूपिन्स अपने बालों में लेके ऐसे लगाया हुआ है और मेरा ये बन अभी बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप कहीं बाहर जा रहे हो आपको बाल ओपन नहीं रखना है तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो। तो चलते हैं, सॉरी अभी बन तो कंप्लीट हो जाए फिर चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। तो अब जो हमने इस तरीके से अपना बन तो कंप्लीट कर लिया, अगर आपके फ्लिप्स कटे हुए हैं तो आपको फ्रंट का हेयर में कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली ईयर के पास ईयर के पीछे आप हेयर को ले सकते हो। अगर इस तरीके से लेयर लंबे हैं आपके तो आपको क्या करना है, तो लंबे लेयर्स के लिए आपको पहले सेटिंग स्प्रे से अपने बेबी हेयर्स को सेट कर लीजिए। बहुत सारा हेयर स्टाइल है इसीलिए बोलते बोलते थोड़ा सा कभी कभी कुछ गलत बोल दें तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, आप उसको इग्नोर कीजिए और हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए। अब साइड के हेयर को फ्लिक्स को मैंने इस तरीके से सेट किया है एंड बन के पास में ले जाके एक बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दूंगी, और ये हमारे बन का फाइनल लुक है जो कि काफ़ी इजी और क्विक आप बना लोगे। तो चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। पाँचवें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेना है एंड एक रबड़ बैंड लगा देना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद से आपको रबड़ बैंड के अंदर से ही ओनली वन रबड़ बैंड से ये बन बना सकते हो। आप ये भी मार्केट वगैरह जाने के लिए घर में एवरी डे हेयर स्टाइल में आप इसको ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से फिर से अगेन रबड़ बैंड को उठाएंगे और हेयर को नीचे की तरफ से लेके इस तरीके से खींच लेंगे, और ये आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा हेयर को बन के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और यूपिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। देखिए कितना ईजिली आपका बन यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बन को सेट कर लिया है। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल भी बन के यहाँ पे रेडी हो गया ओनली वन रबड़ बैंड की मदद से। ओके, मैं 2-3 यूपिन्स लगा रही हूँ, आपको जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना ही यूज कीजिएगा यूपिन्स यहाँ पे। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। देखिए कितना इजी है, कितना मतलब कितना इजीली आप फ्रेश लुक अपने बालों को दे सकते हो। सिंपल डोनेट बन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ, थोड़ा थोड़ा आगे से हेयर को खींच लेंगे थोड़ा वॉल्यूम दिखाने के लिए। तो छठे हेयर स्टाइल में आपको बीच से मांग निकालना है, ये ओपन हेयर स्टाइल है, और इस तरीके से हेयर को लेना है और जिस तरफ से आपने मांग निकाली है उसी तरफ से सिंपली इसको ट्विस्ट करना है, और यहाँ पर आप बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा ये ट्विस्टिंग को खींच लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग हमारी वॉल्यूमनेस दिखे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हेयर को लेंगे देन ट्विस्ट करेंगे। ये आप साड़ी के साथ बना सकते हो, साड़ी के साथ अगर बालों को खुला रखना है, कुर्ती सूट के साथ भी आप ये ट्राई कर सकते हो। न्यू मैरिड गर्ल हो, न्यू मैरिड वुमेन हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो।
तो इसको दूसरी साइड से भी बना के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग को खींचेंगे एंड क्लिप से सिक्योर कर देंगे और सारे बालों को ओपन रखेंगे। तो ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है एंड काफ़ी इजी है, बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। अब चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो सातवें हेयर स्टाइल में हम इस तरीके से हेयर को लेंगे और सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्ट करते जाएंगे। ये भी आप साड़ी के साथ, सूट के साथ बना सकते हो अगर बालों को ओपन रखना है तो। तो ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल हो गया। इसको ईयर के पीछे लेके जाएंगे एंड सिंपली क्लिप से, जो आपके फ्रंट के हेयर आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो और अपना लुक स्टाइलिश कर सकते हो। सिंपल इजी तरीके से आप ये बना सकते हो। थोड़े थोड़े हेयर्स लेके जाने हैं, जो हमारे साइड में स्कैल्प पे छोटे छोटे हेयर होते हैं उन हेयर्स को ये सिक्योर करता है और आपके लुक, आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा और एलिगेंट दिखता है ओपन बालों के साथ। तो ये स्ट्रेट हेयर के साथ काफ़ी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो हमारा सातवां हेयर स्टाइल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं आठवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो आठवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, तो आठवें हेयर स्टाइल में चलते हैं। सातवां हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट होगा, ये फाइनल लुक है। आठवें हेयर स्टाइल में आपको बीच मांग से ही, ये सारे ओपन हेयर स्टाइल में बीच मांग से ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है, फ्रंट का हेयर लेते जाना है और एंड ट्विस्ट करते जाना है अपने क्राउन एरिया के थोड़े से हेयर को लेके। इस तरीके से फ्रंट के हेयर ऐड करते करते सारे हेयर को ट्विस्ट कर लेंगे एंड इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे, जिससे कि काफ़ी प्यारा सा लुक आ जाता है। ये साड़ी के साथ बहुत ही स्टाइलिश लगता है अगर आपके बाल लंबे हैं तो। जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से करने के बाद से अपने बालों को एक चोटी बना लीजिए सिंपल सी, तो बहुत प्यारा लुक आ जाएगा। और आप चाहो तो अगर छोटे छोटे हेयर हैं तो आप इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरीके से बना के बालों को ओपन रख सकते हो, खुला रख सकते हो बालों को। और फ्रंट से मैं हेयर को छोड़ रही हूँ, फ्रंट से लेयर्स निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, आपके फेस को फ्रेम मिल जाता है, जिससे कि आपको आपका लुक और स्टाइलिश दिखता है। तो ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और आठवें हेयर स्टाइल का कुछ लुक कुछ इस तरीके का आएगा। फ्रंट के हेयर को अच्छे से सेट कर लीजिए और आठवां हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। तो चलते हैं नौवें हेयर स्टाइल की तरफ। और जो मेरा स्प्रे था वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। बार बार मुझसे कस्टमर, मेरे व्यूवर्स पूछते हैं। तो ये देखिए एनजो, यहाँ पे ENZO लिखा हुआ है, एनजो का स्प्रे है। ओनली 180 का मुझे ऑफ़र में मिल गया था। आप दुकान से लोगे, शॉप से लोगे तो 250 या 200 तक में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप ये जेल अप्लाई कर सकते हो अपने बालों को स्मूथ सिल्की लुक देने के लिए। जो आप तुरंत हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आप उनको सेटिंग स्प्रे या जेल से सेट कर सकते हो। थोड़ा सा हाथों में लेके जेल को बालों पर अप्लाई कर दो तो आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ दिखने लग जाएंगे। तो ये इसी के साथ हमारा आठवां हेयर स्टाइल कंप्लीट होता है। चलते हैं नौवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो नौवें हेयर स्टाइल में इस तरीके से आपको सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है, सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है एंड ईयर टू ईयर पार्टिंग करके इस तरीके से अपने क्राउन एरिया तक के हेयर को क्लचर से ऊपर ही सेट कर देना है एंड बैक साइड में हेयर को इस तरीके से कॉम करना है एंड एक रबड़ बैंड से अच्छे से टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है। इसके बाद हम लोग लेंगे एक डोनेट बन। ये भी हेयर स्टाइल आप पार्टी वगैरह में ट्राई कर सकते हो और काफ़ी ईजिली आप खुद से बना लोगे। तो इस तरीके से डोनेट बन लेना है और हाफ हेयर को डोनेट बन के ऊपर फैलाते हुए एक पतला वाला रबड़ बैंड लेना है एंड डोनेट बन को अच्छे से लगा देना है डोनेट बन के ऊपर। उसके बाद से जो हेयर बचे हुए हैं हमारे, डोनेट बन को अच्छे से हाइड कर देना है और बचे हुए हेयर्स को सिंपली डोनेट बन के चारों तरफ लपेट के इस तरीके से यूपिन से सेट कर देंगे। ओके, देखिए कितना फ्रेश लुक, फ्रेश लिए हमारा बन बन के रेडी हो चुका है। अब आपको फ्रंट के हेयर को साइड मांग इस तरीके से निकालना है और फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग करके इस तरीके फ्रंट के हेयर को छोड़ देना है एंड क्राउन एरिया के हेयर को अच्छे से कॉम करना है। और कॉम करके बैक साइड में इसको लेके जाना है। अच्छे से कॉम करने से हमारा जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छे से बनता है और लुक अच्छा आता है। पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे, यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे, इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा पुल करेंगे एंड पोनी को इंसर्ट करते हुए इस तरीके से बहुत सुंदर सा आपका ट्विस्ट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बन के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। आप इसको, इस वाले हेयर स्टाइल को भी साड़ी के साथ वेडिंग फंक्शन में ट्राई कर सकते हो और ख़ुद से बना सकते हो। और जो फ्रंट का हेयर है मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन से कर रही हूँ, आप चाहो तो
फ्रंट पार्टीशन से भी कर सकते हो। साइड स्कैल्प अगर दिखती है तो इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करके यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ले आइए, और इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करने से इंसर्ट वॉल्यूम मिल जाती है हमारे बालों को। और इसको अच्छे से क्लीन करते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे और हल्का सा ट्विस्ट करते हुए बन के ऊपर चारों तरफ लपेट देंगे, और ये हमारा यहाँ पर बन के इस तरीके से रेडी हो गया। फिर दूसरी साइड के हेयर को लेंगे, देन यहाँ पर सेटिंग स्प्रे से क्लीन कर लेंगे बेबी हेयर्स को। क्राउन एरिया के हेयर को हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ खींच देंगे जिससे कि हमारे बालों में एक वॉल्यूम दिखे। एंड इस साइड के हेयर को इस तरीके से लेंगे, हल्का हल्का ट्विस्ट करते हुए इसको भी बन के ऊपर लेके जाएंगे, और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देंगे, और हमारा ये बन बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा 10वां बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया, जो कि आपको वेडिंग के लिए और काफ़ी अच्छा सुंदर सा लुक देता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो साड़ी ड्रेस के साथ, और ऊपर से थोड़े थोड़े हेयर को खींच के अपने क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, और काफ़ी अच्छा सा और स्टाइलिश सा लुक बन गया है यहाँ पे हमारे बालों का। और काफ़ी इजीली आप सेल्फ बना सकते हो, सारे हेयर स्टाइल सेल्फ हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल नहीं आता है तो आप एक दो बार ट्राई करोगे तो सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलते हैं 10वें हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा 10वां हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, चलते हैं 11वें हेयर स्टाइल की तरफ। तो 11वें हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से सारे हेयर को ऊपर की तरफ कॉम करना है एंड एक पोनी बना लेनी है। पोनी बना के अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसी तरीके से पोनी भी छोड़ सकते हो सिंपली, लेकिन मैं मुझे यहाँ पे बन बताना है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बालों में इस तरीके से बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ जिससे कि हमारा जो बन है वो थोड़ा सा हैवी दिखे एंड बन का लुक अच्छा दिखे। तो पोनी बनाने के लिए आप इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करके भी छोड़ सकते हो, और जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है उसमें वॉल्यूम अच्छी दिखेगी बैक कॉम्बिंग करके। अगर आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं तो इस तरीके से आप पोनी बना सकते हो। ओके, देखिए कितना अच्छे से इंस्टेंट वॉल्यूम आ गया बालों में। तो चलते हैं 11वें ये हमारा पोनी बन के यहाँ पे रेडी हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे बन बनाना है। तो चलते हैं 10वें हेयर स्टाइल को कंप्लीट करते हैं अपने 11वें हेयर स्टाइल को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आप पोनी बना के छोड़ सकते हो। अब पोनी वाला हमारा 10वां हेयर स्टाइल था, ये हमारा 11वां हेयर स्टाइल है। तो इसको इस तरीके से क्राउन एरिया से हेयर को लेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग करके, और बैक साइड में अच्छे से कॉम करेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग करके अपने सारे पीछे के हेयर को लेंगे, और एक 3 इंच 3 उंगली ऊपर मैंने यहाँ पे पोनी टेल बनाया है। आप उसको हाई एंड लो अपने मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे कि वॉल्यूम आ जाए बालों में एक अच्छी सी। और इस यहाँ पर सिल्क बन बना रही हूँ मैं, सिल्क बन आप बना सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं यहाँ पर साइड पार्टीशन से हेयर को साइड पार्टीशन से अपने हेयर स्टाइल को कम्प्लीट करूँगी। सारे हेयर को अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद से साइड से इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे, और बैक साइड में ले जाके पोनी टेल के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। आप ये सारे पोनी टेल अपने ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, तो आप ये बना सकते हो। और इसको अच्छे से यूपिन से सेट कर देंगे। तो ये हमारा 11वां हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया यहाँ पर। चलते हैं 12वें, देखिए कितना सुंदर और स्टाइलिश सा आपको पोनी टेल मिल जाएगा, जो कि ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ईजी है। बेबी हेयर को अगेन आप उसी तरीके से सेट कर लीजिए। तो अभी चलते हैं 12वें हेयर स्टाइल की तरफ। तो 12वें हेयर स्टाइल में आपको सेंटर से थोड़े से हेयर लेने हैं एंड इसमें एक इस तरीके से क्रॉस करना है, एंड थोड़े थोड़े हेयर लेके इसी तरीके से क्रॉस करते जाएंगे और क्राउन एरिया तक इस लुक को बनाएंगे। एक लाइनिंग से लेके जाना है। ओके, तो ये हमारा 12वां हेयर स्टाइल है, और यहाँ पे एक बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए कितना स्टाइलिश सा लुक मिल गया। इस तरीके से आप ओपन भी रख सकते हो ऊपर का हेयर, इस बीच में इस तरीके से हेयर स्टाइल बना के ओपन भी रख सकते हो, और चाहो तो जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से बना के अपने बालों को एक पोनी टेल बना सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सा स्टाइलिश सा लुक मिलेगा आपके पोनी टेल को, और आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर आपको ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर कॉलेज गर्ल हो तो आप ये बना सकते हो। अब इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेना है और ऊपर में एक छोटू सा क्लचर लगा देना जिससे आपके बालों को एक हाई पोनीटेल मिल जाएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छा और इलेगेंट सा लुक दिखेगा आपको ऑफिस में, कॉलेज में आप इस तरीके से पोनीटेल बना के जा सकते हो। तो ये हमारा 12वां हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी ईजी है, कोई भी बना सकता है। चलते हैं 13वें हेयर स्टाइल की तरफ। 13वें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे हेयर को लेना है और एक पोनी बना लेनी है।
ओके अब पोनी बनाने के बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेयर लेना है और यहाँ पे एक सिंपली क्लचर लगा देना है रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर में, और आपके बालों को एक हाई पोनीटेल मिल जाएगी यहाँ पे, और जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है आपके बालों को। तो ये हमारा तेरहवा हेयर स्टाइल, तेरहवा पोनीटेल हेयर स्टाइल है, जो कि काफ़ी इलेगेंट और काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है आपको। अगर आप हाई पोनीटेल नहीं बना सकते हो तो ये सारे ट्रिक अप्लाई कर सकते हो अपने बालों पे, छोटे बालों के साथ, लंबे बालों के साथ, सबके साथ ये जाएगा और बहुत स्टाइलिश लगेगा ऑल ड्रेस के साथ भी। तो चलते हैं 14वें हेयर स्टाइल की तरफ। तो 14 हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली अपने सारे बालों को लेना है, सॉरी अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग पार्टिंग कर लेनी है। पार्टिंग करके आपको पीछे के सारे बालों को लेना है और इसमें एक पोनी बना लेनी है। पोनी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हाई बनानी है, लो बनानी है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो इस तरीके से पोनी बना लिया है और थोड़ा सा क्राउन एरिया से हेयर को खींच लूँगी, जिससे कि हमारा लुक जो है वो अच्छा आएगा एंड क्राउन एरिया पे हमारा थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा। अब आपको जो आपने ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हेयर को छोड़ा है उसको सिंपली इस तरीके से लेना है एंड फ्रेंच जो चोटी बनाते हैं हम लोग उस तरीके से सारे बालों को फ्रेंच चोटी बना लेनी है। ओके पूरा ईयर तक जितने हेयर हैं सबको फ्रेंच चोटी बना लेंगे। और थोड़ा ऊपर की तरफ से करके लेके जाना है, अगर आप नीचे नीचे बनाओगे तो आपका जो स्कैल्प का मांग है वो दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही कीजिएगा और पूरी चोटी को गूंथ लेना है एंड पोनी टेल के पास ले जाके पोनी टेल के ऊपर रबड़ बैंड के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। तो पूरा एंड तक गूंथ लिया है और रबड़ बैंड के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। ये देखिए कितना प्यारा और स्टाइलिश सा लग रहा है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से बना लेंगे। और ये हमारा 14 हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है, 14वां हेयर स्टाइल। चलते हैं 15वें हेयर स्टाइल की तरफ। ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है, जो कि काफ़ी अच्छा और अच्छा लग रहा है। आप इसको भी आप ऑल ड्रेस के साथ ट्राई कर सकते हो। चलते हैं 15वें हेयर स्टाइल की तरफ। तो 15वें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे हेयर को लेना है एंड जो सेंटर से आपको थोड़ा सा हेयर ले लेना है एंड उल्टी जो फ्रेंच चोटी होती है, उल्टी फ्रेंच चोटी बोलते हैं इसको हम लोग, जो ऊपर की तरफ से हमारी चोटी दिखती है, और इसमें थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है एंड चोटी को कंप्लीट करेंगे क्राउन एरिया तक। इस तरीके से बनाते जाएंगे। ओके आई होप कि अच्छे से आपको दिख रहा हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो गाइस। इस तरीके से क्राउन एरिया तक अपने चोटी को गूंथना है एंड फ्रेंच चोटी को बना लेना है और इसको उसके बाद से क्राउन एरिया के बाद से जितना हेयर है उसको सिंपली चोटी बना के एक क्लिप से होल्ड कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। गूंथ के इसको मैंने यहाँ पे टिक टेक क्लिप से सेट कर लिया है ताकि ये खुले नहीं। अब आपको दोनों साइड से, जैसे हमारा जो साइड में हेयर है इसको थोड़ा थोड़ा खींच के इस तरीके से अच्छा सा वॉल्यूम देंगे अपनी चोटी में और ऊपर के हेयर को भी खींच लेंगे। अभी इस साइड के हेयर में भी इसी तरीके से चोटी बनाएंगे जैसे हमने ऊपर में बनाया था। तो इस तरीके से बना के दोनों साइड में अब सारे हेयर को एक साथ लेंगे, एक पोनी बना लेंगे। पोनी बना के जो हमने चोटी में रबड़ लगाए थे उनको निकाल देंगे। ओके और अच्छे से टाइटली पोनी टेल बना लेंगे एक। अब सारे हेयर को ओपन कर लेंगे, जो हमने चोटी बनाई थी वो सब खोल लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बनाएंगे हम एक बन। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली रबड़ बैंड को इस तरीके से खींचना है, देन नीचे की तरफ से सारे हेयर को लेके ऊपर की तरफ खींच देना है, अगेन रबड़ बैंड में फिंगर इंसर्ट करके इस तरीके से सारे हेयर को अगेन खींच लेंगे और इजीली आपका बन बन के क्विक इजी बन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसको आप पार्टी वार्टी में भी ट्राई कर सकते हो ये हेयर स्टाइल, और यू पिन से इसको अच्छे से सिक्योर करते हुए मैसी सा लुक दे देना है अपने बन को, कहीं से भी हेयर लेके
कहीं भी लगा देना है, क्योंकि मैसी लुक देना हमको ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ। एग्जैक्ट आपको वैसा ही करना है, थोड़ा आप अलग भी कर सकते हो। तो ये हमारा 15वां बन हेयर स्टाइल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा सा मैसी लुक यहाँ पे हमारे बन को मिल गया है, जो कि बहुत आसानी से आप बना लोगे। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से बहुत आसान आसान और स्टाइलिश इजी हेयर स्टाइल देखने को मिलेंगी, जो कि देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड मुश्किल लगते हैं, लेकिन आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये हमारा बन बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा और कौन सा हेयर स्टाइल सबसे प्यारा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहीं कहीं पे आपको लग रहा है अनमैनेज लग रहा है तो वहाँ पे आप यूपिन से सेट कर सकते हो। ऊपर के हेयर जो उठे हुए थोड़े दिख रहे हैं उसको भी आप यूपिन से सेट कर दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छा सा लुक आ जाए आपके बालों में। अब जो बेबी हेयर्स हैं उनको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। और ये हमारा 15वां हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। चलते हैं 16वें हेयर स्टाइल की तरफ। 16वां हेयर स्टाइल हमारा पोनी टेल हेयर स्टाइल होगा, जो कि काफ़ी स्टाइलिश है, यूनिक है। तो आपको इस तरीके से एक पोनी टेल बनानी है। पोनी टेल के हेयर को इस तरीके से हेयर टूल स्टाइल टूल के अंदर से इंसर्ट करना है और इसको पकड़ लेना, फिर दूसरी साइड हेयर स्टाइल टूल को इंसर्ट करना है, देन पोनी टेल का थोड़ा सा हेयर लेना है और इसको इस तरीके से खींच लेना है। अब इसको जो हमने दोनों हेयर को खींचा था उसको नीचे में एक पतला वाला रबड़ बैंड लेके यहाँ पे लगा देंगे और ये स्टाइलिश सा आपका पोनी टेल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर आपके बहुत लंबे लंबे बाल हैं तो आप इस तरीके का पोनी टेल हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा सा एलिगेंट सा आपका पोनी टेल यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा हमारे हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 15 हेयर स्टाइल मैंने बताए हैं आपको। आप अलग अलग ड्रेस के साथ ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। यूनिक हैं, स्टाइलिश हैं और इजी भी हैं। तो कैसे लगे आप लोग को सारे हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।